हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत ना पड़े। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम हैं, लेकिन सच बोलने से जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज नहीं दे सकती। अगर खुश रहना है तो दूसरों को खुश करना सीखो। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पर मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पर झाड़ देंगे। 4 खतरनाक कत्ल। ज्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है, झूठ बोलने से एतमाद का कत्ल होता है, शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। सच कहने से इंसान को जहनी परेशानियों से निजात मिलती है। याद रखें, रास्ते नहीं रवैये इंसानों में जुदाई और फासला पैदा करते हैं। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। याद रखो, सबसे अफजल इबादत वो फराइज की अदायगी और हराम कामों से बचाना है। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। इश्क में कभी अलविदा का लम्हा नहीं आता, इश्क की आखिरी मकाम आशिक की आखिरी सांस होती है। अगर अल्लाह आपसे इंतज़ार करवा रहा है तो उससे ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ जितना आपने मांगा था। दुनिया में सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है, जिसमें पानी सिर्फ 1% होता है और 99% एहसासात होते हैं। बर्दाश्त बुजदिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुव्वते बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। सदका देने के लिए मुसीबत का इंतज़ार मत करो। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। कभी नाउम्मीद मत होना, अल्लाह अपने बंदों को मुसीबत से आजमाता है, लेकिन हर मुश्किल के साथ उसका हल भी है। इंसान के लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुकरी के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते। जो नसीहत नहीं सुनता उसका इरादा मलामत सुनने का है। बहुत अजीब है ये दुनिया, जहाँ रिश्ते झूठ बोलने पर नहीं बल्कि सच बोलने पर टूटते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, तौबा करने में देरी मत करो क्योंकि मौत अचानक आती है। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। लोग तो अच्छे इंसान से मोहब्बत करते हैं, जबकि अल्लाह तो बुरे इंसान को भी तनहा नहीं छोड़ता। दुश्मन बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलो। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ही खानदान में मिल जाएंगे। लोगों की बातों को दिल पर ना लिया करो। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और फिर नमक लगाकर खाते हैं। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज़्यादा हो। हो सकता है सच बोलने से आपके ज़्यादा दोस्त ना बने, लेकिन जो बनेंगे वो सच्चे दोस्त होंगे। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। गरीब पर एहसान करो, क्योंकि गरीब होने में देर नहीं लगती। इंसान की सबसे बड़ी खता वो रब के सामने रोने से पहले इंसान के सामने रोता है। इल्म तेरी इस तरह हिफाजत करता है जैसे माँ बच्चों की करती है। बद किरदार दूसरों के किरदार को और बेईमान दूसरों के ईमान को हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। एक रब राजी हो बस, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती। दुनिया का सबसे भारी कागज तलाक का होता है, उसका बोझ तमाम उम्र भर औरत के सर पर होता है। गम में तो अल्लाह याद आता है, कभी खुशहाली में भी याद कर लिया करो, क्योंकि खुशहाली में याद करने वाले को अल्लाह ज़्यादा पसंद फरमाता है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पढ़ते पढ़ते आदमी अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। जब तुमको सलाम किया जाए तो अच्छी तरीके से जवाब दो, और जब तुम पर एहसान किया जाए तो उस एहसान को बढ़ा चढ़ाकर बदला दो।
मकान के बनाने में उम्र खत्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे और हिसाब देगा तू। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब जाती हैं। जो कौम महंगे जूते खरीदने में फख्र और सस्ती किताब खरीदने में दिक्कत महसूस करे, उस कौम को किताबों से ज़्यादा जूते की ज़रूरत है। बुरे इंसान से बचो, क्योंकि बुरा इंसान लोगों से हसद व कीना रखता है। मोहब्बत के पैदा होने में देर लगती है, मगर नफ़रत के पैदा होने में देर नहीं लगती। पहली चीज जितनी मुश्किल है, दूसरी चीज उतनी ही आसान। जिस शख्स की उम्मीदें छोटी होती हैं, उस शख्स के अमल दुरुस्त होते हैं। मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं।